नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ही निवास परिसर में रोपे पौधे, कहा यदि ये पेड़ वाईफाई देते तो पता नहीं कितने पेड़ लग जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास परिसर में अमरुद, आम और बुहार के पौधे लगाए। प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपने घरों में या आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं और इसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लें, चाहे वे फलदार वृक्ष का पौधा हो, चाहे इमारती लकड़ी या फूल का हो। इससे हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा हरियाली होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर जयंती की दी बधाई। सभी प्रदेशवासियों को संत कबीरदास जी की जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं। आध्यात्मिक संत एवं युग प्रवर्तक कबीरदास जी के विचारों ने भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार और सामाजिक समरसता के उनके संदेश को छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी आत्मसात किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कई क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए लोगों, जिलाधीशों और सरपंचों से की बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों, जिलाधीश और सरपंचों से बात की। उन्होंने लोगों से सेंटरों की व्यवस्था के बारे में पूछा और सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेंटरों पर किसी प्रकार की कमी ना हो। कोरबा में हुआ बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला। SECL में विद्युत यांत्रिकी विभाग में E8 से E1 ग्रेड में पदस्थ 50 अफसरों को इधर से उधर तबादला किया गया है। नहीं रुक रही कोरोना के मामलों की गति। करीब 10,000 नए केसों के साथ कुल संख्या 2,26,770 हुई। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इतने ही समय में 273 मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,770 पहुंच गई है। गर्भवती हथनी की मौत के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। केरल में गर्भवती हथनी को जिस तरह बारूद भरा अनानास खिलाकर मार डाला गया, उसने हमारे सभ्य होने के विश्वास को तोड़ दिया है। गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वन मंत्री के राजू ने कहा कि हत्या में कई लोग शामिल थे और सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस और वन विभाग जांच कर रही है। जियो को मिला छठा बड़ा निवेश, अबू धाबी की कंपनी करेगी डील। बीते 25 मार्च से अलग अलग चरणों में लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन में रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम कंपनी जियो को एक के बाद एक 6 बड़े निवेश मिल चुके हैं। इस बार रिलायंस जियो में निवेश अबू धाबी की कंपनी ने की है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो में अबू धाबी स्थित कंपनी मुबाडाला 1.85% हिस्सेदारी खरीदेगी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोई भी नई सरकारी योजना मार्च 2021 तक नहीं होगी शुरू। कोरोना से ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। इससे भारत में राजस्व का नुकसान हो रहा है और सरकार का भी खर्च बढ़ा है, जिसका असर सरकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। राहुल गांधी की सीरीज को लेकर स्वरा भास्कर ने कहा, लोग इनसे नफरत क्यों करते हैं। राहुल गांधी की सीरीज को लेकर स्वरा भास्कर का ट्वीट सबका खूब ध्यान खींच रहा है। साथ ही फैंस इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ट्विटर पर लोग राहुल गांधी की विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत की, सीरीज से नफरत क्यों कर रहे हैं, वे सूचनात्मक होती है और वर्तमान संकट व स्थितियों पर प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। राजनीति के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत इक्का दुक्का कदम है जो एक राजनीतिज्ञ सुनता है। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने अपनी सीरीज में बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज से बात की। भारत को मिली महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी, देश में 82 साल बाद होगा टूर्नामेंट।
महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 भारत में ही होगा। यह टूर्नामेंट 82 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले 1989 में मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम रनर अप रही थी। यह फैसला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की महिला कमेटी की मीटिंग में लिया गया। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।